बताया गया था कि रेनफॉल यहाँ पे हो सकता है, हैवी टू हैवी रेनफॉल जो ये कैचमेंट एरियाज आइसोलेटेड प्लेसेस है आसाम मेघालय और अरुणाचल के, तो ये शायद इसी आशंका को हम अभी जमीनी हालात यहाँ पे सच में यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये बारिश ऐसे ही चलते रहेंगे जो 2-3 दिन में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा दिखा है, ये इम्प्रूवमेंट फिर से ये जो पूरा सिचुएशन है पूरा जटिल होने का संभावना अभी भी यहाँ पे आशंका बना हुआ है। अभी भी जो 27,50,000 से भी अधिक लोग फिलहाल बाढ़ पीड़ित है, ये आंकड़ा भी काफी बढ़ने का संभावना अभी भी बना हुआ है। और रिलीफ कैंप में भी लगभग 47,000 से भी ज्यादा लोग अभी भी फिलहाल है। तो ये जो बड़े बड़े आंकड़ा है, ये आंकड़ा में सुधार तभी आएगा जब बारिश सूखेगा। लेकिन 2.49% 5 राज्यों में मृत्यु दर का आंकड़ा 0। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में भारत से 8 गुना अधिक संक्रमण, जबकि 14 गुना अधिक हुई मौतें। अब तक देश में 6,77,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,73,000 से ज्यादा। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26,816। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 मरीज स्वस्थ। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर। देश में सरकार का ध्यान कोविड-19 के मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है केंद्रित। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। दिल्ली में भारी बारिश, मौसम विभाग ने कहा 21 जुलाई तक राजधानी NCR में बारिश की आशंका। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्यायालयों में हुई मामलों की सुनवाई। केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 7,800 जबकि हाई कोर्ट में 1,75,000 और सब ऑडिटिंग कोर्ट्स में 7,34,000 मामलों की डिजिटल तरीके से की गई सुनवाई। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,00,000 से ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कुल 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी इजाफा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर हुई 6 करोड़।